मारे जाने की खबर सामने आई है। सुरक्षा बल के 3 जवान भी घायल हुए हैं। दंतेवाड़ा एसपी ने इस पूरी मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। गोवल के जंगल में ये मुठभेड़ हुई, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों के भी 3 जवान इस पूरी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दंतेवाड़ा से ही होगी पंकज भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ ताजा हालात? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर और अहम जानकारी एनडीटीवी के माध्यम से हम बता रहे हैं। दरअसल ये गोबेल के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ का ये इलाका पड़ता है, जिसमें दंतेवाड़ा और बीजापुर का संयुक्त टीम के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। लगभग 300 जवान यहाँ से निकाले गए थे। ऑपरेशन का नाम जल शक्ति पुलिस ने रखा है और चला रही है। और दरअसल ये गोबेल के जंगलों के आसपास ये मुठभेड़ हुई, जहां पर 4 वसीधारी नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। ऐसा दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं हमारे 3 जवान भी अभी तक इस मुठभेड़ में घायल हैं। उन्होंने प्रारंभिक जानकारी देते हुए ये बताया कि 3 जवान हमारे घायल हैं। घायल जवानों को निकाला जा रहा है बाहर की तरफ और नक्सलियों के 100 रिकवर कर लिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उस इलाके में पूरी तरीके से सर्चिंग की जा रही है। कई और नक्सलियों के घायल होने और मारे जाने की खबर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए।